नमस्कार मित्रों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। फिर से आज वाला टॉपिक अपना पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। पिछले वाली क्लास में अपन ने जो दबाव समूह उसके बारे में चर्चा करी, आज वाली क्लास में अपन राजनीतिक दल के बारे में चर्चा करते हैं या अध्ययन करते हैं। क्या है राजनीतिक दल से अर्थ? ठीक है, एक परिभाषा मैंने लिखी है एडमंड बर्क के अनुसार। इससे पहले जब अपन साधारण शब्दों में पर बात करते हैं राजनीतिक दल क्या चीज है, तो अपने जैसे भारत की बात करें तो यहाँ बहुत से राजनीतिक दल हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ हैं वो लगभग 7 हैं। उसमें कभी चुनाव के समय एक पार्टी कोई ज़्यादा हो गई, कोई कम हो गई, उस हिसाब से, लेकिन लगभग 7 जो नेशनल पार्टियाँ हैं वो हैं। इसके अलावा बहुत से क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, कई सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में। तो राजनीतिक दल जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी हो गई, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो गई, तो ये जो पार्टियां हैं इन्हीं को राजनीतिक दल कहा जाता है। ठीक है, तो आज अपन इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो एडमंड बर्क ने क्या कहा है राजनीतिक दलों के बारे में कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर, जिस पर वे एकमत हों, अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे होते हैं। यानी कि इस चीज से एक बात सिद्ध होती है कि राजनीतिक दल में कुछ लोगों का एक समूह होता है और एक सिद्धांत के आधार पर वो राजनीति में आने की कोशिश करते हैं। सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, मूलभूत समस्याओं को उजागर करने की कोशिश करते हैं और उन समस्याओं का समाधान करते हुए वे राजनीति में आने की कोशिश करते हैं और राजनीति में वो चुनाव के माध्यम से प्रवेश भी करते हैं। ठीक है, तो ये एक राजनीतिक दल का अर्थ हो गया, एक सीधी सी परिभाषा हो गई। इसके आगे जैसे अपन देखें कि राजनीतिक दल के लिए आवश्यक तत्व या राजनीतिक दलों में कौन कौन सी चीजें होना आवश्यक है, ये जो मैंने चार चीजें यहाँ बोर्ड पर लिखी हैं जो आवश्यक है राजनीतिक दल के लिए। नंबर पहला मैंने लिखा है कि संगठन, दूसरा लिखा है सिद्धांतों की एकता, तीसरा है शासन करने की इच्छा और नंबर 4 है संवैधानिक साधनों में विश्वास। तो नंबर 1 मैंने लिखा है कि संगठन, यानी कि संगठन 2 प्रकार के हैं, जैसे मान लीजिए औपचारिक संगठन है और दूसरा है अनौपचारिक संगठन। तो राजनीतिक दल के लिए सबसे पहले जो चीज है वो एक संगठन होना चाहिए, यानी कि जो लोगों का, कुछ लोगों का जो समूह है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से संगठित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी एरिया की कोई वहाँ की लोकल समस्या है, तो वहाँ कुछ लोगों का एक समूह होता है और वो समूह ये कोशिश करता है वहाँ की जनता को ये विश्वास दिलाने का कार्य करता है कि अगर मैं इस अबकी बार चुनाव जीतूंगा तो इस समस्या का समाधान मैं करूंगा। तो मूलभूत समस्याओं का समाधान करने की वो कोशिश करते हैं एक संगठन के माध्यम से। ठीक है, तो राजनीतिक दलों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहली तो उसका एक संगठन होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात अपन करते हैं कि सिद्धांतों की एकता। संगठन में जैसे मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति अगर शामिल हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार के मतभेद नहीं होने चाहिए, यानी कि उस समूह में जो लोग हैं उनमें छीटा किसी या एक दूसरे की टांग जैसे ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए। उनके मन की जो भावना है वो एकता की होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं ये काम करूँगा, नहीं। उनमें जो मन की भावना है, सिद्धांतों की जो एकता है, वो उनकी कम्युनिटी होनी चाहिए। तीसरी बात है कि शासन करने की इच्छा। अगर वो लोगों का समूह है तो ये जैसे वो राजनीति में आना चाहता है तो उसकी एक जो आवश्यक शर्त है वो ये होती है कि वो शासन करने की इच्छा भी वो रखते हैं, यानी कि राजनीति में आने की उनकी इच्छा होनी चाहिए। नंबर 4 मैंने लिखा है कि संवैधानिक साधनों में विश्वास, यानी कि हमारे जो संविधान में जो लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में शांतिपूर्वक साधन, कि इन साधनों को अपनाते हुए आप राजनीति में प्रवेश करें, ये साधन उचित है, ये तरीका उचित है। तो इस प्रकार ये नंबर जो 4 है वो होना चाहिए, लोगों में संवैधानिक साधनों में विश्वास। तो राजनीतिक दल की जैसे मान लीजिए आपको साधारण शब्दों में परिभाषा पूछी जाए 2 नंबर की कक्षा में, तो एडमंड बर्क के अनुसार आपको लिखनी है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी ऐसे
सिद्धांत के आधार पर जिस पर भी एकमत हो अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के अपने काम करने के लिए एकता में बंधे होते हैं। फिर आगे आपको देखना है कि कार्यदल के लिए आवश्यक जो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं। संगठित होनी चाहिए, सिद्धांतों की एकता, शासन करने की इच्छा और संवैधानिक साधनों में विश्वास। ये चीज़ आप अपने नोट में नोट कर लीजिए, ये राजदलों के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। अब आगे अपन पढ़ते हैं कि राजदलों के कौन कौन से कार्य हैं, वो आपको लिखना है। राजदलों के कार्य राजनीतिक दल कौन कौन से कार्य करते हैं। सबसे पहला मैंने लिखा है कि चुनावों का संचालन। जो राजनीतिक दल है वो क्या करते हैं कि चुनावों में भाग लेते हैं, अपने एजेंटों को वो खड़ा करते हैं चुनाव छुपाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, एक तरह से चुनावों का संचालन होता है। राजनीतिक दल है अपने जो प्रत्याशी हैं उनको चुनाव में उतारते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं और उनको चुनावों में जितवाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो नंबर पहला मैंने लिखा है कि चुनावों का संचालन। दूसरा मैंने लिखा है कि लोकमत का निर्माण। जैसे मान लीजिए चुनाव हो रहे हैं तो उसमें बहुत सी कमियां, उनका समाधान, ये सब चीज़ें उजागर होती हैं। एक परिभाषा लिखी है ब्राइस ने कि जिस प्रकार जैसे महासागर में ज्वार भाटा आता है तो जो समुद्र के किनारे जो गंदगी फैली होती है उसको बहाकर उन किनारों को साफ कर देता है, उसी प्रकार जो राजनीतिक दल हैं वो भी इन जो बहुत सी समस्याएं होती हैं उनका वो समाधान करने की कोशिश करते हैं। राजदल राष्ट्र के दिमाग को तरोताज़ा करने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं लिखता हूँ एक बार, जिस प्रकार ज्वार भाटा समुद्र के किनारे की स्वच्छ करने का प्रयास करते हैं। ठीक।
ठीक है। एक ब्राइस ने जो परिभाषा लिखी है वो है, जिस प्रकार ज्वार भाटा महासागर के जल को ताजा व स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार राजदल राष्ट्र के दिमाग को स्वच्छ करने का प्रयास करते हैं। यानी कि जनता में बहुत सी राजनीतिक जो बातें हैं उनका उनकी जो कमियां हैं और जो चीज़ें पूरी हुई हैं उन चीज़ों को जनता के मस्तिष्क में वो लाने की कोशिश करते हैं। जनता राजनीतिक मुद्दों के बारे में अपनी समझ बनाती है, तो राजदल क्या करते हैं, एक तरह से लोकमत का जो है वो निर्माण करते हैं। तीसरा है सरकार का निर्माण। राजनीतिक दलों का एक ये भी कार्य है, राजनीतिक दल क्या करते हैं कि एक जैसे मान लीजिए उन्होंने लोकमत का निर्माण किया, चुनावों का संचालन किया, फिर उनके जैसे मान लीजिए उनके प्रत्याशी जीतते हैं चुनावों में, तो फिर वो प्रत्याशी जीतने के बाद किसका निर्माण करेंगे, एक नई सरकार का निर्माण करेंगे। तो ये भी एक दलों का कार्य है। नंबर चार है शासन सत्ता को मर्यादित करना। अब देखिए शासन सत्ता को मर्यादित वो किस प्रकार करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी राजनीतिक दल को बहुमत मिला, ठीक है, तो वो राजनीतिक दल अन्य दलों के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए जो अल्पसंख्यक दल हैं, अल्पसंख्यक राजनीतिक दल या जिन दलों को बहुमत नहीं मिला, वो दल विपक्ष में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी राजनीतिक दल को बहुमत मिला तो वो अपनी मनमर्जी से वो शासन नहीं करेंगे, अपनी मनमर्जी से किसी विधेयक को पास नहीं करेंगे, और उनकी कमियों को उजागर करने का कार्य कौन करेगा, विपक्षी पार्टियां। तो वो विपक्षी पार्टियां एक तरह से उन पर आरोप प्रत्यारोप जैसे लगाते रहते हैं किसी कमी के ऊपर, तो एक तरह से वो उस शासन को मर्यादित रखने की वो कोशिश करते हैं। इस प्रकार से एक शासन सत्ता को मर्यादित करने का कार्य राजनीतिक दल करते हैं। नंबर पांच है, यहां लिख देता हूं मैं, राजनीतिक चेतना का प्रसार। राजनीतिक चेतना का प्रसार। और नंबर छह है सरकार व जनता के बीच की कड़ी। ठीक है, नंबर पांच मैंने लिखा है कि राजनीतिक चेतना का प्रसार, और नंबर छह सरकार व जनता के बीच संपर्क। राजनीतिक चेतना का प्रसार कैसे, जैसे मान लीजिए चुनावों के समय बहुत से राजनीतिक दल जनता के सामने आते हैं चुनाव वोट मांगने के लिए, तो उस क्षेत्र की समस्याओं को वो उजागर करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी राजनीतिक दल का अलग अलग पार्टियों के नेता वहाँ आते हैं, किसी पार्टी का व्यक्ति किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, फिर दूसरा प्रचारक है तो वो अलग चीज़ से बातें बोलता है, तीसरा अलग तरीके से उन बातों को प्रेजेंट करता है, तो उससे क्या होता है कि लोगों की भी समझ में आता है कि वास्तव में कौन सी चीज़ में सुधार होना चाहिए, उनकी जो दिमाग की जो बातें कई भ्रम वो दूर होते हैं। तो एक तरह से जनता में क्या है कि राजनीतिक चेतना का प्रसार होता है। नंबर छः मैंने लिखा है कि सरकार व जनता के बीच संपर्क। राजनीतिक दल समय समय पर जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो उस क्षेत्र में जाते हैं, उस क्षेत्र की समस्याओं को वो अपनी सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार क्या है कि सरकार और जनता के बीच जो संपर्क है वो लगातार बना रहता है, उन समस्याओं को समय समय पर वो उजागर करते रहते हैं। तो ये हो गए राजनीतिक के कार्य। नंबर पहला मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि चुनाव का संचालन, दूसरा है लोकमत का निर्माण, तीसरा है सरकार का निर्माण, और नंबर छह मैंने लिखा है शासन सत्ता को मर्यादित करना, नंबर पांच है राजनीतिक चेतना का प्रसार, छठा है सरकार व जनता के बीच संपर्क। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि दलीय व्यवस्था की कौन कौन सी गुण है। दलीय व्यवस्था की गुण,
अमीबिया की दलीय व्यवस्था के गुण से क्या तात्पर्य है कि राजनीतिक दलों से कौन कौन सी स्थितियां पैदा हो रही हैं और किन चीज़ों से अपन को लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब अपन को इसमें देखना कि राजनीतिक व्यवस्था से कौन कौन से लाभ हो रहे हैं, कौन कौन सी इसमें ऐसे गुण हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दलीय व्यवस्था के कौन कौन से गुण हैं कि नंबर पहला है कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक, दलीय व्यवस्था का सबसे पहला गुण है कि लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक है। दूसरा है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। अब देखिए दलीय व्यवस्था का जो मैंने गुण लिखा था कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक, जैसे मान लीजिए बहुत से देशों में लोकतंत्र है, ठीक है, तो वहाँ सभी लोगों को लोकतंत्र में अपना राजनीति में आने को स्थान मिल सके, मौका मिल सके, तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि वहाँ दलीय व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो दलीय व्यवस्था में क्या है कि एक समाज का जो कमजोर तबका है उसको भी राजनीति में आने का मौका मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आरक्षण के आधार पर उनको सीटें डिवाइड की जाती हैं, हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है कि सभी, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई उच्च स्वर्ण कास्ट का व्यक्ति है तो वो ही सिर्फ राजनीति में आ सकता, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में इस प्रकार का उल्लेख किया गया है कि निम्न समाज का जो निम्न तबका है, निम्न वर्ग है, उसको भी आरक्षण दिया गया है सीटों के आधार पर, वो राजनीति में आते हैं। तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है राजनीतिक दल, इस प्रकार लोकतंत्र के जो है वो आवश्यक है कि हर व्यक्ति को एक राजनीति में आने के लिए उसको मौका मिल सके, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा कि सार्वजनिक शिक्षा का साधन। अभी मैंने आपको पहले बताया कि जैसे मान लीजिए राजनेता चुनाव के समय जनता के बीच आते हैं तो जनता उनको समस्याएं बताते कि वास्तव में हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो राजनेता ये कहते हैं कि वास्तव में अगर हम राजनीति में आते तो इन चीज़ों का समाधान हमें करेंगे। तो लोगों के जो मस्तिष्क में जो कई भ्रम होते हैं, उनके मस्तिष्क में कई प्रकार की बातें होती हैं, या जैसे मान लीजिए कोई झूठा भ्रम है तो वो एक दूर होता है और लोगों को राजनीति के बारे में थोड़ी बहुत समझ होती है कि वास्तव में जो ये जो कार्य हो रहा है वो सही हो रहा है, तो एक जनता को उससे शिक्षा मिलती है। दूसरा मैंने लिखा कि सार्वजनिक शिक्षा का ये साधन है। नंबर तीन है श्रेष्ठ कानून का निर्माण। राजनीतिक दलों के द्वारा श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए अभी अपन ने चर्चा की थी कि जिसको बहुमत मिलता है वो सत्ता में बैठता है, जिसको बहुमत नहीं मिलता वो विपक्ष में बैठता है। अब जैसे मान लीजिए कि जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिला हो वो कानूनों का निर्माण कर रहे हैं, तो उस कानून की जो कमियाँ हैं या उससे होने वाले नुकसान हैं तो वो कौन उजागर करेगा, जो विपक्ष में एंटीपक्ष में जो बैठा है, विपक्ष में जो बैठा है वो उसकी कमियाँ उजागर करता है। तो जो सत्ता में लोग हैं वो भी इस पर ध्यान देते हैं कि वास्तव में इसमें बहुत जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए, लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, तो इससे क्या होता है एक श्रेष्ठ कानून का निर्माण होता है। तो ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला है शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य। बहुत से राजनीतिक दल होते हैं और बहुत से राजनीतिक दलों के जो लोग हैं जीते हुए प्रत्याशी हैं वो जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिला है उसमें भी शामिल होते हैं। जो राजनीतिक दल बड़ा है वो अन्य दलों के साथ अपनी सरकार बनाता है, तो हर विभाग में लगभग जो राजनीतिक दल के सदस्य हैं उनको अतिरिक्त कार्यभार भी दिया जाता है।
प्रकार क्या है कि जो प्रशासन में अलग अलग जो मंत्री लोग बैठते हैं उनमें आपसी तालमेल इससे बना रहता है। तो एक कारण ये भी है, इसका गुण है ये कि शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य बना रहता है। तो लगभग ये जो है दलीय व्यवस्था के गुण मैंने लिखे हैं 4-5। तो नंबर पहला मैंने लिखा कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक, दूसरा है सार्वजनिक शिक्षा का साधन, श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण और शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य, विभिन्न एक है विभिन्न मतों का संगठन। विभिन्न मतों का विभिन्न मतों के संगठन यह है कि अनेक राजनीतिक दल जो हैं वो उनके अलग अलग प्रकार के मत होते हैं लेकिन वो अंत में आकर एक किसी बात पर डटे रहते हैं, क्योंकि एक संगठन जो है वो बना रहता है। जैसे मान लीजिए किसी दल ने कौन सी बात उठाई और किसी दल ने कौन सी उसके विपक्ष में बात कर रहा है तो वे एक जगह बैठकर उस चीज़ का समाधान करते हैं, यानी कि जिस पार्टी को बहुमत मिला है उसके माध्यम से उस चीज़ की कमियाँ और उसके जो लाभ हैं वो सभी चीज़ों को उसमें देखा जाता है और एक संगठन जो है बना रहता है उसमें। तो ये जो दलीय व्यवस्था के गुण हैं ये हैं, नोट कर लीजिए। अब एक बार देखते हैं कि दलीय व्यवस्था के कौन से दोष हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए ये मैंने लिखे हैं दलीय व्यवस्था के कौन कौन से दोष लिए हैं। लोकतंत्र के विकास में बाधक, श्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा, समय और धन की बर्बादी और राजनीति में भ्रष्टाचार। अब लोकतंत्र के विकास में बाधक इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए दलीय व्यवस्था के दोष पर पड़ रहे हैं तो जैसे मान लीजिए जिस दल को बहुमत मिला है उस दल का व्यक्ति जैसे मान लीजिए जनता के बीच में आता है तो वो किसके बारे में बात करेगा, सिर्फ अपनी राजनीतिक पार्टी के बारे में ही वो बात करेगा, अपनी जो कमियां हैं वो हमेशा छुपाने की वो कोशिश करेगा और हमेशा अपने ही दल की बातों का वो समर्थन करता है। इस प्रकार क्या है कि जो समस्याएं हैं वो सामने आ नहीं पाती, जो मूलभूत लोगों की समस्याएं हैं वो सामने नहीं आ पाती और ना ही उनका समाधान हो पाता है। इस प्रकार ये जो पहला कारण है लोकतंत्र के विकास में आदर। दूसरा है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा, जो लोग ईमानदार हैं अच्छे व्यक्तित्व है उनका वो राजनीति में नहीं पहुँच पाते, अगर या वो जाते हैं तो बहुत ही कम पहुँच पाते हैं। जिन व्यक्तियों के पास अच्छा रुपया पैसा है या अपने धन के बल पर या अपनी शक्ति के बल पर वो राजनीति में पहुंच जाते हैं तो इसका एक दूसरा ये दोष है कि जो अच्छे व्यक्ति हैं वो अपनी जो राजनीति में है वो नहीं पहुंच पाते। तीसरा जो कारण है वो है कि समय व धन की बर्बादी। राजनीतिक दलों में जैसे चुनाव के समय बहुत सा पैसा व्यर्थ बहाया जाता है, पैसे देकर वोट खरीदे जाते हैं तो इससे समय और धन दोनों की ही बर्बादी होती है, ठीक है। और जो अगर टॉपिक मैंने लिखा कि राजनीति में भ्रष्टाचार, अगर वो समय और धन उसने पैसा बहुत सा बर्बाद किया है तो राजनीति में जाते ही वो खुद की कमाई में लग जाए, जैसा उसने पैसा खर्च किया है वो उस पैसे को कमाने में लग जाता है, इस प्रकार वो राजनीति में भी
भ्रष्टाचार करेगा, क्योंकि ईमानदार लोग अगर राजनीति में नहीं जाएंगे, अगर बेईमानों की परमार होगी तो राजनीति में भ्रष्टाचार ही होगा। तो ये मैंने जो लिखा है आपको चार पांच टॉपिक, दलीय व्यवस्था के दोष, लोकतंत्र के विकास में बाधक, श्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा, समय व धन की बर्बादी और राजनीति में भ्रष्टाचार। तो ये लोकतंत्र के दोष हो गए। मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपको बताया कि लोकतंत्र की परिभाषा एडमंड बर्क के अनुसार दलित इसमें रंगदल में सॉरी तो रंगदलों के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं, रंगदलों में आवश्यक गुण कौन से हैं और इसके दोष कौन से हैं। तो एक बार आप ये परीक्षा की दृष्टि से देख लेना। अगले टॉपिक के साथ हम अगली वाली क्लास में फिर आपके साथ आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।